Pan and welcome to BookMyHouse.com, India's most trusted and the best realty e-com portal, wherein you would get the answers for all the queries related to real estate. I am Shraddha and today we will be discussing about Real Estate Regulatory Act, RERA. We are hearing a lot about RERA these days, but I'm sure there must be still some doubts revolving in your mind about it and its functioning. So let's hear it from some of the top developers of India that what they think about RERA and how it would help the real estate industry. RERA ek bahut positive move hai un consumer ko ya un developers ko jo shayad kahin na kahin bhatak gaye the. To mujhe lagta hai ki ये एक अच्छा बिल है जो आने वाले टाइम में इससे इस इंडस्ट्री को एक बूस्ट देगा. सबसे पहली इशू ये थी कि काफ़ी ऐसे फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स या आप कह सकते हैं कि जो बिल्डर्स थे जिनका इंटेंशन ही अच्छा नहीं था, ऐसे कई सारे डेवलपर्स थे जिन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बेचे जहाँ पर उनके पास या तो ज़मीन नहीं थी या उनके पास क्लियरेंसेज नहीं थे, सारे अप्रूवल्स नहीं थे, और प्री लॉन्च के माध्यम से लोगों से पैसा ले लिया और उसके बाद गायब हो गए. तो रेरा इसको किस तरह से एड्रेस करता है कि अब जब ये लागू होगा किसी भी स्टेट के अंदर, तो हर एक डेवलपर को अपना जो भी प्रोजेक्ट बेचना है, बेचने से पहले उसको वेबसाइट पे रेरा के डालना पड़ेगा. जितने भी अप्रूवल्स हैं, चाहे प्लान सैंक्शन है, एनवायरमेंट क्लियरेंस है, कंसेंट टू एस्टैब्लिश है, जितने भी आपके क्लियरेंसेज हैं वो सारे के सारे आपको ट्रांसपेरेंटली अपनी वेबसाइट पर भी और रेरा की वेबसाइट पर भी डालने पड़ेंगे. I think RERA overall is a good product. It was required because the builders had really messed up things. It has brought in transparency. Now an apartment owner knows when he's going to get that apartment. He knows about all about the documents. So therefore, if he's entering into an agreement with the buyer, he knows how much money he's going to pay. And when is going to get delivery? डेवलपर के एंगल से भी जब डेवलपर को ये पता चल जाता है कि जितनी चीज़ें हैं मैंने अपने कस्टमर को रिटर्न में दी हैं कि इतने दिन में मैं आपके इस प्रोजेक्ट को, आपके इस फ्लैट को डिलीवरी देने वाला हूँ, अगर वो उसको कहीं भी वायलेट करता है तो वो कहीं ना कहीं पेनलाइज होगा. तो इस वजह से जितने भी सीरियस लोग हैं वही इस बिजनेस में आ पाएंगे. ये मुझे लगता है कस्टमर के लिए सबसे बड़ी जीत है. डेवलपर बोलता था कि ये इस अपार्टमेंट का सुपर एरिया इतने स्क्वायर फुट है, बट जब एक्चुअली में अपार्टमेंट मिलता था तो पता चलता था कि उसका एरिया एक्चुअली में कम है. तो उसमें सुपर एरिया लोडिंग का एक बड़ा कॉमन सा एक चीज़ था जो पूरे इंडिया में चल रहा था. बट अब रेरा ये कहता है कि आप जो भी बेचेंगे आप उसको कारपेट एरिया पर ही बेच सकते हैं. रेरा विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बिकॉज मनी इज ब्लॉक्ड, यू हैव लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी. You have to take your licenses and everything faster, so there'll be a cost to that. You have no choice but to take them, so you will take them at every and each every cost because you don't want to skip the timeline. So that will also be a cost. This cost will be incurred by a developer. He would want to pass it on to the buyer, but maybe it will take some time, maybe a year and a half, where he can start passing on. So anybody who's interested in buying a property, I would really say do so now, because eventually, for survival, any developer have to pass it on to द कस्टमर. प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और डेवलपर कमिट करता है कि इतने साल में मिलेगा, बट मिलता था वो जाके यू नो कई साल बाद. अब अगर डिले होता भी था तो उसका जो कॉम्पनसेशन है वो एज पर द डेवलपर एग्रीमेंट होता था. जो रेरा अब कहता है वो ये कहता है कि ये एक यूनिफॉर्म होगा. अगर पूरे हरियाणा स्टेट में या पूरे यूपी स्टेट में सरकार ने सेट कर दिया कि आपको इतना कॉम्पनसेशन मिलेगा फॉर डिलीवरी डिले, तो उतना ही कॉम्पनसेशन आपको मिलेगा. तो ये एक स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है. कुछ एक ऐसे स्टेट्स हैं जो इसमें इवन क्रिमिनल प्रोविजंस लेके चल रहे हैं. तो इससे एक डेवलपर के लिए बहुत बड़ा डिटेरेंट है और एक तरह से आप कह सकते हैं ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अब सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली होंगी. तो आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हमारी जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है ये बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से और बहुत क्लीन तरीके से चलने वाली है.